Dear student, Amol Chand Commerce Education welcomes you. In this lecture, I will explain you about the basic concepts of residential status under Income Tax Act 1961. Importance of residential status. Computation of total income, availability of exemptions, deduction depends on the residential status of a person. That is, किसी भी व्यक्ति की कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी इंडिया में, कौन सी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी, क्या क्या एग्जम्पशंस और डिडक्शन उसको मिलेंगे, ये उसके रेसिडेंशियल स्टेटस पर डिपेंड करता है। कोई भी व्यक्ति अपनी वर्ल्ड वाइड इनकम पर इंडिया में टैक्स देगा या केवल इंडियन इनकम पर इंडिया में टैक्स देगा, ये उसके रेसिडेंशियल स्टेटस पर डिपेंड करता है। बेसिक रूल ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। फर्स्ट, फॉर प्रीवियस ईयर। रेसिडेंशियल स्टेटस प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखकर कैलकुलेट किया जाता है। हर प्रीवियस ईयर के लिए आपका रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट किया जाएगा। नॉट परमानेंट। रेसिडेंशियल स्टेटस परमानेंट नहीं होता। यू मे बी रेसिडेंट फॉर वन प्रीवियस ईयर, यू मे बी नॉन रेसिडेंट फॉर अनदर प्रीवियस ईयर। यानी आपका रेसिडेंशियल स्टेटस चेंज हो सकता है, यह परमानेंट नहीं होता। डिफरेंट पर्सन डिफरेंट रूल। इनकम टैक्स में अलग अलग पर्सन है, इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म। अलग अलग पर्सन्स के रेसिडेंशियल स्टेटस को कैलकुलेट करने के लिए, डिसाइड करने के लिए अलग अलग रूल्स हैं। एप्लीकेबल टू ऑल सोर्स। रेसिडेंशियल स्टेटस जब डिसाइड किया जाता है तो सभी सोर्सेस के ऊपर एप्लीकेबल होता है। इन दैट इज, अगर आप किसी पर्टिकुलर सोर्स के लिए इंडिया में रेसिडेंट हैं तो फिर आप अपनी सभी सोर्स ऑफ इनकम के लिए इंडिया में रेसिडेंट माने जाएंगे। सिटीजनशिप एंड रेसिडेंशियल स्टेटस, ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। सिटीजनशिप और रेसिडेंशियल स्टेटस अलग अलग चीज़ें हैं। आप इंडियन सिटीजन हैं, आप नॉन रेसिडेंट हो सकते हैं, कोई नॉन इंडियन सिटीजन भारत में रेसिडेंट हो सकता है। सिटीजनशिप का रेसिडेंशियल स्टेटस से कोई लेना देना नहीं है। SSC टू प्रूव रेसिडेंशियल स्टेटस। SSC को प्रूव करना होता है अपना रेसिडेंशियल स्टेटस, पर्टिकुलरली जब कोई SSC या कोई पर्सन अपने आप को नॉन रेसिडेंट डिक्लेयर करता है तो उसको, उसके पास मटेरियल्स होने चाहिए, एविडेंस होने चाहिए जिससे वो प्रूव कर सके कि वो भारत में नॉन रेसिडेंट है। रेसिडेंट ऑफ मोर देन वन कंट्री। कोई भी एक पर्सन एक समय पर एक से ज़्यादा कंट्री का रेसिडेंट हो सकता है। ये डिपेंड करता है अलग अलग कंट्री में जहाँ उस व्यक्ति का बिजनेस या उसका डोमिसाइल है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल्स एंड HUF। इंडिविजुअल्स और HUF इंडिया में तीन कैटेगरी में रेसिडेंट हो सकते हैं। एक ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो सकते हैं, एक नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट या फिर नॉन रेसिडेंट हो सकते हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल्स एंड HUF। इंडिविजुअल और HUF को छोड़कर बाकी जितने भी अदर पर्सन्स हैं, लाइक कंपनी, फर्म, AOP, BOI, ये सब भारत में या तो रेसिडेंट होंगे या तो फिर नॉन रेसिडेंट होंगे। इन माई नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको अलग अलग व्यक्ति के, अलग अलग पर्सन के रेसिडेंशियल स्टेटस को कैलकुलेट करने के रूल्स बताऊंगा। इन केस ऑफ एनी डाउट सेंड मैसेजेस। सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर लेक्चर्स। थैंक यू।